नमस्कार इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे संघ की समन्वय बैठक की। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के बाद अब एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरानी शाखाओं को एक्टिव करने और काम को विस्तार देने में जुट गया है। इसके लिए आज भोपाल में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ संघ की समन्वय बैठक हुई। शहर के बावड़िया इलाके में स्थित समाज सेवा न्यास के कार्यालय में बैठक करीब 4 घंटे चली। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल हुए। वहीं संघ की ओर से मध्य भारत प्रांत की पूरी टोली और कई प्रचारक मौजूद रहे। बैठक की अगुवाई क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विस्पोते ने की। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी से मालवा प्रांत के 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे। उज्जैन में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में संघ के अनुषांगिक संगठनों के रुके हुए काम को पूरा करने और कोरोना काल में प्रभावित हुई संघ की गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। इसके साथ ही बीजेपी द्वारा हाल ही में संपन्न किए गए बूथ विस्तारक महाअभियान, वर्तमान में चलाए जा रहे नीति संग्रह अभियान समेत बीजेपी के आगामी कई कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा हुई। साथ ही बीजेपी के पिछले 2 साल के कामकाज की समीक्षा की गई। कुल मिलाकर संघ और बीजेपी की इस बड़ी बैठक में संगठन के कामों को विस्तार और तेजी देने की पुख्ता रणनीति बनाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीजेपी आरएसएस के साथ ही संघ के तमाम अनुषांगिक संगठनों के काम को तेजी से बढ़ाया जाएगा। दरअसल संघ 2025 तक समाज के हर वर्ग को सक्रिय करते हुए विशाल रूप से 2025 में अपनी स्वर्ण जयंती बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि अब मैदान पर संघ की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आएगी। तो संघ और बीजेपी की ये बड़ी बैठक हुई है। 2 साल के कामकाज की समीक्षा इस बैठक के दौरान की गई है। 2025 में संघ अपनी संघ प्रमुख मोहन भागवत के उज्जैन प्रवास से ठीक पहले भोपाल में एक बड़ी बैठक हो रही है। यहाँ पर भोपाल के बावड़िया इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो समाज सेवा न्यास कार्यालय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वहां पर यह समन्वय बैठक बीजेपी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में चल रही है। इस बैठक में क्षेत्र के प्रचारक दीपक विस्पोते आरएसएस के मौजूद हैं, साथ में प्रांत की तमाम टोली जो है, तमाम प्रचारक प्रांत के जो मौजूद हैं बैठक में, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में मौजूद हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के कई कार्यक्रमों की महाअभियान की बूथ विस्तार महाअभियान खासतौर से और समर्पण निधि राशि का जो अभियान बीजेपी ने चलाया हुआ है उसकी समीक्षा भी की जा रही है। चूंकि वीडी शर्मा के कार्यकाल के 2 साल हुए हैं उस पर भी बात की जा रही है। साथ में मोहन भागवत का 19 फरवरी से उज्जैन में 4 दिन का प्रवास जो तय किया गया है उस पूरे प्रवास की क्या रूपरेखा रहने वाली है इस पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है। कुल मिला के संगठन और सत्ता के साथ और संघ की जो समन्वय बैठक है वो इस मुद्दों को लेकर काफी अहम हो जाती है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। तो संघ को पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपने रिमोट से संचालित करता है। संघ को अपनी मेंबरशिप बताना चाहिए। संघ 95 साल से आज तक अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा पाया? और यदि भारतीय जनता पार्टी को ही अपने रिमोट से चलाना है तो राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को स्थापित करें। यानी छद्म आचरण से कभी हिंदुत्व को धोखा देते हैं, कभी देश को धोखा देते हैं। भाई आपको बीजेपी के लिए ही काम करना तो आप घोषित करिए कि हम बीजेपी के दलाल हैं या बीजेपी को रिमोट से संचालित करते हैं। और संघ कितना भी जोर लगा ले, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हालात हैं वो पूरे देश में होने वाले हैं। संघ आज तक भ्रष्टाचार को लेकर तो एक शब्द नहीं बोला। आप 2023 के चुनाव में देखिएगा, ये जो 30-30, 35-35 करोड़ में बिक कर गए हैं उनकी हालत क्या होती है? जब जहां जैसी आवश्यकता होती है वैसा नाम और काम बदलने का काम सरकार का है और सरकार के अधिकार क्षेत्र में अगर कोई विषय आता है तो वो करती है।
बाकी मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी और को आपत्ति होना चाहिए या होने का कोई कारण है। सर, आरएसएस के साथ एक बैठक है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को आरएसएस ही जब चलाती है तो खुल के ये बात कबूल क्यों नहीं की जाती? कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? हम तो आइडियोलॉजिकल फैमिली हैं, वो तो बायोलॉजिकल फैमिली, एक ही फैमिली चलाती है। और आइडियोलॉजिकल फैमिली में इस देश के 135 करोड़ भारतीयों में से अनेकों लोग हैं, अधिकतर लोग हैं। लेकिन एक बायोलॉजिकल फैमिली की चापलूसी करते करते इन लोगों को ना आइडियोलॉजिकल फैमिली समझ में आएगी ना आइडियोलॉजी समझ में आएगी। रिएक्शंस आपने सुन लिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दूं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं गीत धीर। गीत धीर जी, आपका स्वागत है बड़ी बहस में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं व्यान खोंगल। व्यान खोंगल जी, आपका स्वागत है बड़ी बहस में। सबसे पहले शुरुआत गीत धीर जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। पहला रिएक्शन आपका आज होने वाली इस बड़ी बैठक पर, विपक्ष आपको निशाने पर ले रहा है। देखिए, कांग्रेस का अपने घरों पर ध्यान नहीं, कांग्रेस दूसरे के घर में क्या चल रहा है इसके ऊपर 11 नजरें लड़ा के बैठी हुई है कि पड़ोसी की दीवार गिर गई इससे इनको तकलीफ है, लेकिन स्वयं की बकरी मर गई इसकी तकलीफ नहीं है। तीन राज्यों में समेट के रह गए, सीधा इशारा है। देखिए, हमारा अनुसांगिक संगठन है संघ, और हम अपने अनुसांगिक संगठनों से अगर मिलते हैं, बात करते हैं, तो इसमें दूसरे लोगों को क्या दिक्कत है? हम तो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, कोई गैर राष्ट्रवादी बात तो हम करते नहीं है। और कोई हमारी इस प्रकार की कोई गतिविधि जो कि किसी आतंकवादी चीजों से मिली हो, जैसे कि कांग्रेस का पीएफआई का राजस्थान में कार्यक्रम करवाना स्टेडियम में, अभी पीएफआई कौन नहीं जानता, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, आतंकवादी संगठनों द्वारा उनकी फंडिंग की जाती है, आईएसआईएस द्वारा किया जाता है। अच्छा, देखिए, कोई परेशानी किसी को नहीं है, लेकिन परेशानी सिर्फ कांग्रेस को है। अच्छा, कांग्रेस की जो अभी वर्तमान अध्यक्षा है वो आतंकवादियों के मरने पर भी रोती है। फिर देखिए इनकी, उसके अलावा मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां पर हिंदुस्तान के खिलाफ बैठकें करते हैं, वहां किसी को कांग्रेस पर दर्द नहीं होता, वहां इनकी पूर्व अध्यक्षा बिल्कुल कुछ नहीं बोलती। उसके बाद में सलमान खुशी दिल्ली में जाके टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में मिलके बोलते हैं हमें चाहिए आजादी। किससे आजादी मांग रहे हो? ये तो वो खालिस्तान के साथ में जुड़ के अलग अलग मोमेंट्स चला के देश को तोड़ने वाली गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, प्रोपोगंडा और इसकी जो बात कर रहे हैं इनके नेता, अभी के मिश्रा जी को मैं सुन रहा था बाइक जो आपके चैनल के माध्यम से चली, उसमें इनकी मानसिकता और आइडियोलॉजी, हमारे जैसे रजनीश जी वरिष्ठ नेता है हमारे, उन्होंने बिल्कुल कहा इनको हमारी आइडियोलॉजी और आइडियाज क्या समझ में आएंगे। और ये संघ की बात करते हैं, अपना आचरण जो है इनका राष्ट्र के प्रति कितना समर्पण का रहा है पहले उस पर बात करें। 10 साल पहले ही इनको इनकी हवा निकल चुकी है, इनकी हकीकत जो है जनता इन्हें दिखा चुकी है, लेकिन अब भी लगे हुए। फिर उसके अलावा देखिए, मुस्लिम्स और समाज विशेष की राजनीति करते हैं, हम तो किसी आतंकवादी संगठन के यहाँ तो नहीं गए थे ना, किसी आतंकवादी संगठन ने तो हमें नहीं बुलाया था ना, हम गए थे हमने अनुसांगिक संगठन के यहाँ, बातचीत हुई हमारी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मगर क्या बातचीत हुई ये कांग्रेस को क्या मालूम, और मेरे को नहीं लगता कि कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत हुई। आगामी कार्यक्रमों को लेकर, आगामी अगर चर्चाएं होती हैं कोई तो आमतौर पर होती हैं, बट राजनीतिक चर्चाओं से इस चीज का कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, व्यान खोंगल जी, कांग्रेस की आपत्ति क्या है? व्यान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। व्यान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी भी, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए। व्यान जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? फराग जी, अब ये नहीं सुन पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। आतंकवादी संगठनों को साथ में लेकर चलने चलिए, कोई तकनीकी लगता काम है। व्यान जी, अगर मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर आप ईयरफोन एक बार निकाल कर बात कर सकें तो एक बार कोशिश करके देखिए। चलिए, लगता है एक बार जो तकनीकी खामी है उसको हम दूर कर लेते हैं, उसके बाद व्यान जी के पास हम जाएंगे। गीजी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौट रहा हूं। गीजी, दरअसल ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप समय समय पर संघ के साथ बैठक तो करते हैं, संघ लेकिन इस बात को स्वीकारता नहीं है, बीजेपी इस बात को स्वीकारती नहीं है कि दरअसल जो बीजेपी जिस एजेंडे पर काम कर रही है वो एजेंडा संघ का ही है, और जिस विचारधारा पर बीजेपी चल रही है वो संघ की ही विचारधारा है।
जो संघ के बड़े पदाधिकारी बीजेपी की जो गतिविधियां होती हैं, जो एक्टिविटी होती हैं, उनमें उनका पूरा हस्तक्षेप होता है? देखिए, पहली बात तो ये सत्य नहीं है, और मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि सभी राष्ट्रवादी, स्वयं आप भी पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार हैं, और मेरा मानना है आप भी एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, तो आप भी देश का हित ही चाहेंगे। पराग जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप भी देश का हित चाहते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी सोच यही होगी कि हम अपने देश का विकास करें, और हम अपने देश के विकास के लिए जब कार्य करते हैं तो लगता है कि सब लोग मिलकर चल रहे हैं। तो संघ भी अपनी दृष्टि में एक समाज को सक्षम करने का, एक साक्षरता के माध्यम से, एक तरीके की संघ में अगर जाता है तो व्यक्ति स्वयं सेवक, यानी कि अपना काम स्वयं करे और राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा कैसे वो जाहिर कर सकता है ये सीखता है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक दल है, उसका लक्ष्य जो है वो राष्ट्र को, अंत्योदय को साथ में रखते हुए कार्य करना है। तो इसलिए जो हमारी आइडियोलॉजी और आइडियाज जो है हमारे टूवर्ड्स द नेशन है, हम फॉर द बेनिफिट ऑफ नेशन कार्य करते हैं, और यही जो है संघ भी करता है और यही जो है भारतीय जनता पार्टी भी करती है, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी एक है, जैसा कि मैंने कहा हमारा अनुसांगिक संगठन। तो हमारे अनेकों सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो संघ से आए भारतीय जनता पार्टी में, मैं स्वयं संघ का एक स्वयं सेवक हूं। तो देखिए, इसमें कोई बात नहीं है कि हमारी कोई विचारधारा अलग अलग है, पर संघ बीजेपी को चलाता है या बीजेपी संघ को चलाती है, ये दोनों एक अलग प्रश्न है और अलग अलग चीजें हैं दोनों। इनके कांग्रेस के पास में कोई काम नहीं बचा है, इसलिए केवल और केवल हस्तक्षेप करना जो भी राष्ट्रहित में हो रहा है, यहाँ तो इनका कोई लेना ही देना नहीं है। इनके नेता लेकिन चले जाते हैं, विषय किस हिसाब से रखते हैं, इनको परेशानी क्या है, परेशानी तो बताएं, इनको क्या परेशानी है, हम कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे हैं? अच्छा, ये सोनिया गांधी जी के बारे में बताएं ना, आतंकवादियों के जब मरते हैं वो लोग तो वहां क्यों रोके आती हैं? इनके सलमान खुर्शीद जो है जब वो दिल्ली में नारे लगाते हैं हमें आजादी चाहिए, किससे आजादी चाहिए भाई, ये क्यों नहीं बताते? ये तो इस प्रकार की जो मानसिकता है और भाजपा की जो मानसिकता है दोनों में बहुत अंतर है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। लेकिन गीत जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों है? आपका आपको इसका कारण क्या लगता है, रीजन क्या लगता है? क्या फिर इसमें सेकुलरिज्म की भी बातें आती हैं? देखिए, इनका जो है केवल और केवल परिवारवाद पे चलना रहा है। जो गांधी जी जो स्वयं बोला करते थे कि परिवारवाद के खिलाफ थे और परिवारवाद के खिलाफ ही बोला करते थे, उनका सरनेम तक के चुरा लिया, और उसके ऊपर इनको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपने साकार किए, चाहे स्वच्छ भारत का हो चाहे स्वदेशी का हो, उसी के तहत तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम स्वच्छता की बात करते हैं जो पूरे देश में चलेगी, उसके ऊपर ये माकोल उड़ाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है महात्मा गांधी जी का सम्मान नहीं कर पाई, जिसने कांग्रेस की स्थापना करी थी, जिस व्यक्ति ने, जिसको देश जो है एक उपाधि दे चुका है, हम सम्मान करते हैं। तो ये हमेशा से गैर राष्ट्रवादी चीजों पे ज्यादा रही है। दूसरी बात, ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये अब की जो कांग्रेस पार्टी है माँ बेटे और जीजा जी की पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी है। इनके कमलनाथ को देखिए, हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते, मध्य प्रदेश की बात करें और गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। तो यही है, जनता के बीच में इनका काम नहीं है, और यही सब कारण है कि कांग्रेस को कुछ समझ में ही नहीं आता कि जनता के लिए क्या करें। अब ये सिमटती चली जा रही है, केवल तीन राज्य पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बची है, कांग्रेस की मानसिकता और आइडियोलॉजी। मैं बताता हूँ, ये लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे और जो है वहां पर उसके माध्यम से फर्जी वोट डाल के जीतते थे, अब ईवीएम जो है उनके दिल का दर्द। तो यही सारी चीजें हैं जिसके कारण, क्योंकि देखिए पंजाब का चुनाव तो परसों ही हो रहा है, और राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया उनके चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। खैर, व्यान जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अभी? व्यान खुंगल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अगर आपकी तरफ से कोई तकनीकी दिक्कत है तो प्लीज उसको आप देखिए, अगर आप म्यूट है तो अनम्यूट एक बार करिए। नहीं, आपकी आवाज सर नहीं आ रही है, आप जो रिएक्ट कर रहे हैं वो मुझे नजर आ रहा है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार आप ईयरफोन को निकालकर देखें सर, व्यान जी एक बार ईपी आप निकाल कर देखें, हो सकता है कि एयरफोन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा हो। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी व्यान जी, अब आपकी आवाज आ रही है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये आप लोगों की तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ से और कुछ प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं। चलिए, माफी चाहूंगा सर, अभी आपकी आवाज आ रही है, अब आप बोलिए सर। आपत्ति, दरअसल आपत्ति को लेकर मेरा सवाल पिछली बार आपसे था, क्योंकि मुझे लगता है कि गीत जी की बात तो आप लगातार सुन भी रहे होंगे, अभी कांग्रेस पार्टी की आपत्ति क्या कुछ रही इस पर मैं चाहूंगा आपका रिएक्शन। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति सदैव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस कथन से होती है, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक ढिंडोरा पीटती है पिछले 95 सालों से इस देश के अंदर कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, हम एक सामाजिक संगठन है। भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए,
कि आप राजनीतिक संगठन नहीं है, तो लगातार हर राज्य में हर राज्य की राजनीति को, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को रिमोट से संचालित करने का कार्य आखिरकार आप लोगों को क्यों करना पड़ता है, खासतौर से उस समय जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में होती है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है, तब आपको क्यों समस्या, आपको क्यों समन्वय बैठके आरएसएस के तीन काम, भोजन पानी और विश्राम, ये सारी चीजें आपको उस समय क्यों याद आती है? देश में, देश के सामने क्या चैलेंजेस हैं? राष्ट्रीय स्वयं सेवक को, संघ को हमने कभी इस विषय में चर्चा करते हुए देखा? देश में कोरोना में माताओं बहनों के सुहाग उजड़ गए, मासूम बच्चे अनाथ जब हो रहे थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के लोग कहीं ऐसे आतंकवादी संगठन है क्या जिसका साथ दे रहे हैं? हेलो हेलो, दूसरी एक बात बताइए, राजस्थान में आपकी सरकार प्लीज दरख्वास्त है मेरी आपसे, एक बार सुन लीजिए, पूरा हो जाए अभियान जी का, फिर मैं आ रहा हूँ। दो सेशन तक कंटिन्यू ये बोले, अब जरा मुझे पर्याप्त समय चाहिए। पराग जी, अभियान जी आप बोलिए, सर आपको पूरा समय दे रहा हूँ, आप बोलिए। अभियान जी सुन पा रहे हैं? अभियान जी क्या यही दिक्कत है पराग जी? अभियान जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? अंदर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। 55 सालों तक अपने अपने मुख्यालय नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया, 55 साल तक लगातार तिरंगा नहीं फहराया, ये वो लोग हैं। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर जरा बताएंगे? अभी मेरा मेरी चांस पूरी होने के बाद जरा पूछिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास? साल का अरबों रुपये का जो चंदा आता है जाता है, उसका हिसाब किताब है आपके पास में? है हिसाब किताब? वो चंदा कहाँ जाता है? राष्ट्रवादी बनने की बड़ी बड़ी बातें करते हो, देश के हित में संवैधानिक व्यवस्था जो है, आपको टैक्स भरने की एक सामाजिक संस्था होने के नाते इतना टैक्स भरते हैं आप लोग, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो टैक्स क्या भरेगा राष्ट्रहित में? और बातें करते हैं राष्ट्रहित की। कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चालू किया था, बूथ विस्तारक अभियान, वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। उसमें प्रत्येक बड़े नेता को 100 घंटे देने थे, वो 100 घंटे गुजारने थे। हंसो मत और ये बताओ गीत भाई कि 100 घंटे क्या मुख्यमंत्री जी ने बिताए बूथ पर? क्या 100 घंटे कैलाश विजयवर्गीय इसको आप चेक भी कर, बिल्कुल भारतीय पूरे किए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके 27 सांसद हैं उनमें से किसी ने पूरे किए? बिल्कुल। और किसी बड़े नेता का बता दीजिए जिससे 100 घंटे पूरे हो गए हो? प्रत्येक विस्तारक कार्यक्रम जब पूरी तरह फ्लॉप हो गया श्रीमान जी, प्रत्येक अच्छा अच्छा जी आप दोनों में जाकर किसी कोई विकल्प नहीं बचा। ठीक है व्यान जी, आप जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता काफी सारे सवाल आपने दाग दिया घी जी से, हम जवाब लेते हैं। घी जी थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे करूंगा क्योंकि समय कम है, तो थोड़ा संक्षेप में आप बोले। प्रत्येक ने 100 घंटे दिए हैं संगठन ऐप के माध्यम से, ये स्वयं भी देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता भी देख सकते हैं। बीच में मत बोलिए, विवान जी बौखलाइए मत, आराम से संयम से जवाब सुनिए। पीएफआई के माध्यम, पीएफआई जो है संस्था है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, आपको बोलता हूँ चेक करो ना यार, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो कि मूर्खों की फौज है कांग्रेस में, मैं आपको बोलता हूँ चेक करिए। आप ये पीएफआई जो है ना उसके अंदर साथ में मिलकर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में स्टेडियम में एक कार्यक्रम करती है। पीएफआई का किसको नहीं मालूम कि कौन सी संस्था है, क्या करती है, आईएसआई से फंड होती है ना, आईएसआई से फंडिंग होती है कि नहीं होती है, इसका इसका जवाब दो। सोनिया गांधी आतंकियों के मरने पर उठ के आती है, आपकी वर्तमान जो है अध्यक्षा है आपकी, वो सोनिया गांधी जो है वो आतंकियों के मरने पर रोती है, जो बेल पर भी बाहर है ना पूरी पार्टी आपकी वो रोती है, वहां पर दर्द नहीं होता। उसके अलावा 4,000 रुपए जो बेरोजगारों के खाके आपके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह घर घर भाग गए थे, उसके ऊपर आप नहीं बोलोगे कि ठीक है सर, ठीक है प्लीज। 18 सालों से आपने क्या किया? 18 साल तो आप छोड़ो, आपने अतिथि शिक्षक। ठीक है चलिए, आज देखिए समय इतना ही है। गीत जी, व्यान जी प्लीज, आप दोनों को अब मैं रोकना चाहूंगा, आज समय चर्चा के लिए हमारे पास इतना ही है। व्यान खुंगल जी आपका बहुत शुक्रिया, गीत धीर जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 2025 में एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी में संघ है और अपनी स्वर्ण जयंती बनाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी संगठन और संघ के पदाधिकारियों के बीच में मजबूती को लेकर ये बैठक हुई है। कुछ प्रोग्राम आने वाले वक्त में होने वाले हैं, उनकी चर्चा, उनको डिस्कस इस बैठक में किया गया है।
हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि दरअसल जब बीजेपी खुद को कमजोर महसूस करती है, अपने अभियानों में कमजोरी महसूस करती है, तब जाकर संघ का सहारा लिया जाता है और इस तरीके की समन्वय बैठक आयोजित की जाती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया।